लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मंडी पुलिस प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार जागरूकता शिविर चलाया गया है। ये शिविर 4 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक किया जा रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं ताकि लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण जानकारी हो सके। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर रामदेव ठाकुर ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उनके पास क्षेत्र में भ्रष्टाचार के प्रति कोई सूचना है तो उसे तुरंत पुलिस को दें, पुलिस इसकी सूचना गुप्त रखेगी। मैं इंस्पेक्टर रामदेव ठाकुर, स्टेट बिजनेस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, थाना मंडी से हूं। पूरे भारतवर्ष में 30 अक्टूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 तक बिजनेस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। ये सभी विभागों में मनाया जा रहा है, खास करके जो हमारा बिजनेस डिपार्टमेंट है, बिजनेस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कई जगह सेमिनार या कोई डेक्लेमेशन इत्यादि का आयोजन कर रहा है और मैक्सिमम लोगों के बीच में पंपलेट बांटकर थाने के थ्रू दे रहे हैं। हम पंपलेट्स ब्लॉक के माध्यम से भी हम पंपलेट्स बांट रहे हैं ताकि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो आम जनता है वो सभी भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक हो कि भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो है वो जागरूक हो। हमारे इस प्रकार के जो सेमिनार है और जो डेक्लेमेशन है या कोई और पेंटिंग कंपटीशन इत्यादि जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी 4 तारीख तक होते रहेंगे। पिछले कल भी हमने इसी प्रकार का एक आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर में किया था जिसमें डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट भी रखा था। उसके अतिरिक्त एनटीपीसी में भी इसी प्रकार का एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया था। विशेष करके भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो का एक सदस्य होते हुए मैं ये सभी लोगों से, आम जनता से, सरकारी कर्मचारियों से भी और यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट की आम जनता से भी ये अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार को समाज से मुक्त करने के लिए सभी अपना योगदान दें और यदि कहीं आपको आपके इर्द गिर्द कोई भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है या भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी सूचना हमारे पुलिस थाना बिजनेस मंडी के नंबर फोन नंबर 0905-222-534 पर दे सकते हैं और आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी।